ियम ट्यूबल इट इज बैक्टीरिया कैसा है स्लाइटली कैसा होगा सिलेंडर बेसिलाइए ठीक है कैसा बेसिलाइए बेसिलाई मीन्स रॉड शेप होगा स्लाइटली कर्व होगा स्ट्रेट होगा और सिलेंडर बेसिलाई है ओके

बेसिकली ग्राम स्टेनिंग डिफिकल्ट होती है करना बट दे आर ग्राम पॉजिटिव होते हैं ओके तो दे आर आर ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज माइकोवेक्टेरियम ट्यूबर क्लासेस के और फीचर देखें अगर कि ये नॉन स्पोरिंग होते हैं स्पोर प्रोड्यूस नहीं करते ठीक है नॉन स्पोरिंग होंगे कैप्सूल्स नहीं होता ये नॉन कैप्सुलटेड है ठीक है और मोटाइल नहीं होते ठीक है मूव नहीं कर सकते नॉन मोटाइल है तो ये टे फीचर है हमारे माइको बेक्टीरियम ट्यूबर क्लासेस के अब जो ये माइको बैक्टीरियम ट्यूबर क्लासेस है ये ऑब्लिगेट एरोब होता है ऑब्लिगेट एरोब होता है ऑब्लीगेट आरोप होगा तो अरोटेज टेस्ट क्या देता है पॉजिटिव देता है कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन हम करते हैं टू आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो उसमें बायोकेमिकल टेस्ट में कैटेलाइज टेस्ट करते हैं तो ये कैटेलाइज टेस्ट पॉजिटिव देता है बिकॉज ऑफ क्योंकि ये आरोप है ठीक ऑबलीगेटर हो गए नाउ सी दैट हमारा जो है इसको हमारे uh, हम कल्चर कर सकते हैं ठीक है स्लोली ग्रो करता है बट वी कैन ग्रो और ग्रो करते हैं ऑन अ एल जी मीडिया ठीक है डिफरेंट डिफरेंट मीडिया होता है दैट एल जी मीडिया इज लो एंड स्टीन मीडिया जो ग्रीन कलर का होता है जिसमें हम क्या करते हैं सिंपल ग्रो कराते हैं अपने माइक्रो को तो so, दैट ज हैविंग ऑफ माइकोबेक्टीरियम ट्यूबर क्लासेस ग्रो करता है स्लोली तो मोस्ट कॉमनली हम यूज नहीं करते बट वी कैन कल्चर इट ऑल्सो तो जनरेशन टाइम अराउंड फोर्टीन टू फिफ्टीन आवर्स का होता है हम ऑप्टिम टेम्परेचर देते हैं थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस पे और बेसिकली इस एल जी मीडिया पे कल्चर कराते हैं एंड ये एल जी मीडिया कैसा होगा एनरिच कल्चर मीडिया है ओके तो यहाँ पे जो कॉलोनीज आती है वो आती है ड्राई रफ व कलर्ड ठीक है कलर्ड आएंगी एंड रेस्ड विथ अ रिंकल सरफेस ठीक है सरफेस कैसी होंगी रिंकल्ड होंगी तो इस तरह की कॉलोनीज आती हैं ठीक है ठीके? तो जो माइको बेक्टेरियम बोवेस होता है उससे माइक्रोबेक्टेरियम हमारे माइको बेक्टेरियम ट्यूबल क्लॉसेस को आइडेंटिफाई डिस्टिंग करने के लिए हम कॉलोनीस देखते हैं ऑन अ जी मीडियम ठीक है ओके नाउ जो हमारा माइकोबेक्टेरियम ट्यूबल क्लासेस है ना उसकी लिपिड की सेल वॉल होती है तो जो सेल वॉल है अगर माइको बैक्टीरियम की अगर सेल वॉल देखें, सेल वॉल ऑफ लिपिड सेल वॉल। तो जो सेल वॉल है उसमें क्या है बेसिकली दे आर आर मेड ऑफ लिपिड्स, एंड दे हैव अ पॉलीसेकेराइड्स जो लिपिड का कंटेंट है वो अराउंड सिक्सटी परसेंट है ठीक है हमारा जो सेल वॉल है का वो लिपिड से फॉर्म हुआ है। इन दैट जो मेनली क्या होगा हमारा माइकोलिक एसिड्स होंगे ओके तो सेल वॉल में फोर अ प्लाज्मा के बाद पेप्टाइडोग्लाइकिन की लेयर होगी आर अ पेप्टाइडोग्लाइकिन की लेयर देन पेप्टाइडोलाइकिन के बाद एरिबिनो गैलिकॉलिसो गैलेक्टिन जो एलेबिनोज एंड कैलिकोज शुगर से फॉर्म है ऑफ़ हमारी माइकोलिक एसिड लेयर होगी ठीक है तो ये लिपिड कंटेंट बताएगा माइकोलिक एसिड ये पेपटाइडो है प्लाज्मा पे तो की डिफरेंट डिफरेंट लेयर है हमारे माइकोबैक्टीरियम बेक्टीरियम ट्यूमर में ठीक है तो बिकॉज ऑफ दैट लिपिड कंटेंट की वजह से ये एसिड फास्ट होता है और ड्यू टू तो दैट की डिफिकल्ट क्यों है स्ट्रेन करना क्योंकि थिक लेयर होती है और वंस दे जो देन को अगर अंदर ले ले तो वो वापस नहीं जाने देते चाहे तुम तो एल्कोहल या एसिड किसी से भी ट्रीटमेंट दो ठीक है अब सी दैट अब जो हमारा माइको बेक्टीरियम ट्यूबर क्लॉसेस ट्यूबर क्लॉसेस कॉस करता है तो वट इज देयर पैथोजेनेसिस पैथोजेनेसिस क्या है तो इन दैट दे हैव अ प्राइमरी ट्यूबर क्लॉसेस और सेकेंडरी ट्यूबर क्लॉसेस है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वन इन दैट क्या होगा फर्स्टली जो इन्फेक्शन है वो इनहेल हो करते हैं हमने इनहेल किया तो जो भी बेसिलाई इनहेल होगा प्राइमरी ट्यूबर में क्या होता है इनहेल बेसिलाई को ट्यूबरकल बेसिलाई होगा हमारा जो इनहेल ट्यूबरकल बेसिलाई है वो हमारे जैसे वो हमारी बॉडी के अंदर आएगा उन्हें क्या करेंगे मैक्रोफेजेस अप करेंगे तो हमारा जो बेसिकली तो जो लंग्स के करेंगे है माइक्रोफेज ठीक है इनहेल ट्यूबरकल कल्बेलाई को एनगल्फ कौन करेगा एलवलर माइक्रोफेज एनगल्फ करेंगे ठीक है आप ये एनगल्फ तो कर लेंगे बट क्या होगा बेसिकली माइक्रोफेज नहीं कर पाएंगे को. क्यों बिकॉज ऑफ द रिसेप्टर प्रेजेंट होते डाइनिंग हो पाएंगे तो ये माइक्रोफेज में क्या करेंगे रेप्लीकेट करेंगे एंड रेप्लीकेट करके क्या बनाएंगे देशन रेप्लीकेट टू फॉर्मा लेकस ठीक है और ये गोन फोकस हम जब एक्सरे करते हैं जो ट्यूबर क्लॉसेस के पेशेंट है टीबी के पेशेंट होते हैं उनमें एक्सरे करते हैं तो ये गोन फोकस डिटर होती है थ्रू दैट हम एग्जामिन कर सकते हैं कि हाँ पेशेंट इज सफर ट्यूबर क्लॉसिस ठीक एक है एक्सरे एग्जामिनेशन कराया जाता है ना अब क्या होगा सिंपल हमारे कुछ बेसिलाई रेप्लीकेट कर गए अब ये क्या होगा ये बर्स्ट होगा दूसरे हमारे माइक्रोफेजेस को क्या करेंगे इन्फेक्ट करेंगे एंड कुछ बेसिलाई क्या हो जाएंगे ट्रांसपोर्ट किए दिए जाएंगे लिम्फ नोड्स में इट कुछ लाई क्या करना है ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे सम लाई ट्रांसपोर्ट टू लिफ्ट नोट और कौन सा लिफ्ट नोट हाइलर लिम्फ नोट में ठीक है लिम्फ नोट में जब चले जाएंगे तो क्या होगा लिम्फ नोट का साइज एन होगा स्वेलिंग होगी तो जो हमारा गोन फोकस है और टुगेदर विद द एनलार्ज हाइलर नोट्स फोकस विद एनलार्ज हाइलर लिम्फ नोट जो है दे आर कलेक्टिवली कॉल एज प्राइमरी कॉम्प्लेक्स ठीक है इन्हें बोलेंगे प्राइमरी कॉम्प्लेक्स और प्राइमरी कॉम्प्लेक्स में क्या होगा टॉन्सल्स फॉर्म होंगे और लिम्फ नोड्स की एनलार्जमेंट होगी स्वेल हो जाएंगे लिम्फ नोट्स तो ये प्राइमरी ट्यूबर क्लासेस है इन दैट ठीक है अब सेकेंडरी ट्यूबर क्लासेस में क्या होता है सेकेंडरी ट्यूबर में क्या होगा रीएक्टिवेशन होता है रीएक्टिवेशन होगा प्राइमरी लेशन का ठीक है जो हमारा प्राइमरी लेशंस था उसका रीएक्टिवेशन हो जाएगा या फिर एक्सोजीनस री होगा ठीक है एक्सोजीनसली री होगा तो सेकेंडरी ट्यूबर स्टार्ट होगा ठीक है और ये मेनली रीएक्टिवेशन किन में होता है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हो जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल होते हैं उनमें रीएक्टिवेशन हो जाता है ठीक है तो यहां पे क्या होता है इन सेकेंडरी ट्यूबर क्लॉसेज में इज ऑफ ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन होता है ग्रैनुलोमा ऑफ सेकेंडरी ट्यूबर और ये क्या पे होगा लंग्स के एपेक्स रीजन पे होता है ठीक है और सेकेंडरी ट्यूबल क्लोसेस में क्या होता है कैविटीज फॉर्म होती है और नेक्रोसिस होता है केश्यस नेक्रौसे। केश्यस नेक्रौसे हो साथ में ऑफ हमारे कैविटीज होंगी ठीक है ठीके? ये टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं जिसे वी हैव टू बी आइडेंटिफाई इट इज अ सेकेंडरी ट्यूबल और ये कैविटीज क्या होती है ये बर्स्ट हो जाती है ठीक है हमारे रप्चर हो जाएंगी बर्स्ट होंगी ब्लड वेजल्स में और जब ब्लड वेजल्स में रप्चर होंगी तो वो क्या करेंगे पूरी बॉडी में स्प्रेड कर देंगे स्प्रेड करेंगी इनटू द बॉडीज ठीक है और फिर वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं दे है इन्फेक्शन uh, को स्प्रेड करेंगे इन एयर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में इन एनवायरमेंट थ्रू दैट हमारा जो uh, जो पेशेंट है इंडिविजुअल भी होगा अब इन इन्फेक्शन में क्या होता है है कि जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती दे हैव अ इंपॉर्टेंट रोल ठीक है ह्यूमरल इम्यूनिटी का इतना रेलिवेंट uh, रोल नहीं होगा बट दे हैव अ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का इंपोर्टेंट रोल होता है इसमें क्या होता है सिंपल हमारा जो सीडी फोर प्लस टी हेल्पर सेल्स होते हैं सीडी फोर प्लस टी हेल्पर सेल्स जो होंगे वो क्या करते हैं सिक्रीट करते हैं इंटरफेरॉन अल्फा यह करेंगे दे सिक्रीटिंग इंटरफेरॉन अल्फा इंटरफेरॉन अल्फा को सिक्रीट करेंगे इंटरफेरॉन गामा इंटरल्यूकिन टू ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा और अदर डिफरेंट बायोलॉजिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे और रिजल्ट क्या होगा अल्टीमेटली प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी ठीक है इम्यूनिटी ऐसी शो करेंगे प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी और टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ठीक है डीले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो करेंगे जिससे टी हेल्पर सेल्स हो जाएंगे और वो एक प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा इन दैट, ठीक है तो दिस हैपन है ट्यूबर क्लॉसेज रीजन ठीक है ओके अब ट्यूबर क्लॉसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए व्हाट वी हैं मॉन्टोक्स टेस्ट मोन्टोक्स टेस्ट क्या है सिंपल क्या करना है एंड वी है ट्यूबर ट्यूबरकुलर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप फोर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को शो करेगा टाइप फोर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पे बेस होता है और दे आर अ डीलेट टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ठीक है ओके में क्या होगा बेसिकली मोन्टोक्स टेस्ट में दे दवा हम क्या करते हैं इंट्राक्यूटेनियसली प्योरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव होता है माइकोबेक्टीरियम ट्यूबर क्लॉसेस का उसको इंजेक्ट किया जाता है वी हैव टू बी टेकन प्रोटीन डेरिवेटिव ऑफ को इंट्राक्यूटिनियसली हम क्या लेते हैं प्यिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव लेते हैं माइको बेक्टीरियम ट्यूबर क्लॉसेस का उसे इंट्राक्यूटिनियसली इंजेक्ट कर दिया जाता है इंट्राक्यूटेनियसली इंजेक्ट कर दिया जाएगा जब इंट्राक्यूटेनियसली इंट्राक्यूटेनियसली yeah. जब आप इंजेक्ट करोगे तो क्या होगा अगर पर्सन में पहले से ऑलरेडी क्या हो सेंसिटाइज है अब आप सेल्स सेंसिटाइज किसके पास होंगे जो ऑलरेडी जिसके पास जो सफर्ड है हमारे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबर से दूसरा उसके पास होगा जो पहले सी अब अपनाओ वो क्या है ट्रीटमेंट हो चुका है या वैक्सीनेशन जिसका हुआ है ट्यूवर क्लोसेस का बेसिकली उनमें हमारा टी सेल्स होगा तो हमारा बेसिकली क्या होगा जो सेंसिटाइज टी सेल्स हैं टी सेल्स इस प्रोटीन के साथ रिएक्शन करेंगे ठीक है ये जो प्रोटीन हमने ऐड किया मैकोवेक्टीरियम टीवर क्लोसेस का वो सेंसिटाइज टी सेल्स के साथ रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद क्या करेंगे शो करेंगे एक डीले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और बेसिकली कैसा शो होगा फोर्टी एट आवर्स में ये शो करेंगे डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और जिस रीजन में इंजेक्ट uh, किया इंट्राक्यूटेनियसली उस रीजन पे क्या हो जाएगा इज होगा तो पॉजिटिव रिएक्शन कैसा शो होगा मोन्टक्स टेस्ट जो पॉजिटिव होंगे वो बेसिकली इनड्यूरेशन होगा इनड्यूरेशन दैट मीन्स की हार्डनिंग हो जाती है और रेडनिंग हो जाएगी

तो बेसिकली uh, उसको कंफर्म करने के लिए ये फॉल्स पॉजिटिव है या पॉजिटिव टेस्ट है तो हम एग्जामिन करते हैं एक्सरे कर लो ठीक है एक्सरे के थ्रू एग्जामिन कर सकते हैं माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं एसिड फास्ट बेसिलाई बैक्टीरियल आइसोलेशन करना है इम्यूनो एसिड सो डिफरेंट डिफरेंट मैथड है वी हैव टू बी एग्जामिन अब नाउ जो माइकोलिक uh, एसिड का कंटेंट ज्यादा था ठीक है लिपिड कंटेंट ज्यादा है ना हमारे सेल वॉल में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर क्लासेस के तो उस माइकोलिक एसिड कंटेंट की वजह से जितने भी वाटर वेल्यूबल एंटीबायोटिक्स है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमारे माइकोबैक्टीरियम बेटीरियम ट्यूबर क्लास में तो ये क्या होते है? होते है. होते है होता है ड्रग रेजिस्टेंट होते हैं क्यों होते हैं ड्रग रेजिस्टेंट क्योंकि दे हैव अ प्रेडिक्टेबल रेट ऑफ म्यूटेशन होता है ठीक है रेजिस्टेंस कन्फर्म करता है ओके okay. तो बेसिकली जो ट्रीटमेंट है हम क्या करते हैं द ट्रीटमेंट जो देते हैं दैट इज ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन इसिन ट्रीटमेंट देते और देयर इज ऑफ अ थेरेपी है डॉट दैट इज अ डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स ठीक है तो दैट इज अवर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर क्लासेस